लेंस की सब्जेक्टिव शीट नंबर 76A में एट्थ क्वेश्चन है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप लेंस को फिट करते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को रख दिया गया और कन्वर्जिंग लेंस को यहां रख दिया गया। कन्वर्जिंग लेंस ने कहीं पर इमेज बनाई ऑन स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब रियल इमेज बनाई होगी ऑन द ऑपोजिट साइड। फिर तुमने लेंस की पोजिशन को क्या किया, द लीनियर मैग्निफिकेशन 2.5 है, मतलब जब तुमने यहां लेंस रखा, ये दो लेंस नहीं है एक ही लेंस है, पहले यहां पर रखा तो इसने इमेज यहां पर बनाई और मैग्निफिकेशन 2.5 है। कह रहे लेंस को अब मैंने 30 सेंटीमीटर नियर द स्क्रीन शिफ्ट कर दिया, तो मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया 30 सेंटीमीटर। कह रहे पर इमेज रिमेन्स सेम, इमेज शिफ्ट नहीं हुई। मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट पहले लेंस को यहां रखा, एक ही लेंस है अपनी, दो लेंस नहीं है, यहां रखा तो रे गई और इमेज यहां बनी, फिर मैंने लेंस को यहां शिफ्ट कर दिया तो रे ऐसे गई और यहीं पर मिली, ऐसा कुछ केस हो गया। राइट, क्लियर है, पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो आपको इसमें यह बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या, लेंस की। वैसे तो एक शॉर्टकट आने वाले टाइम में जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, वहां से ये शॉर्टकट भी होता है, लेकिन मैं इसको अभी उससे नहीं करूंगा, सिंपल लेंस के फॉर्मूले से कर दूंगा। सिंपल लेंस से अगर करना है तो ऐसे करना है, जब ये लेंस को आपने यहां रखा तो इसको बोलते हैं फिजिक्स में कि ओ और आई, ऑब्जेक्ट और इमेज की दो कॉन्जुगेट पोजिशंस मिलती हैं हमें। कॉन्जुगेट पोजिशंस हैं ये लेंस की, आप कहीं भी रख सकते हैं ताकि इमेज एक ही पॉइंट पर बन रही है, कहां पर, आई पे, इमेज आई पे बन रही है। और अगर ये पोजीशन है 30 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो याद रखना कि अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं और लेंस की ये पोजीशन रखता हूं, या मैं लेंस की ये पोजीशन रखता हूं, तो इमेज मेरी वहीं बनती है जहां पर बननी है। तो ये वाला डिस्टेंस भी मुझे एक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, देखो रूल तो वही है ना, अभी तुम्हें किसने कहा कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखना है, ऑब्जेक्ट राइट पे भी तो रखा जा सकता है। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो भी सिचुएशन क्या बननी चाहिए, एग्जैक्टली सेम। देखो ऑप्टिकल बेंच की लेंथ तो बराबर ही है ना, तो आपकी जो पोजीशन है इसी में बननी है। तो तुम चाहे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे रखो, तुम चाहे ऑब्जेक्ट को राइट पे रखो, आपका आंसर बराबर आना चाहिए हर तरफ से। ये तो कोई जरूरी नहीं, ठीक है हम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे रखते हैं, पर किसी ने राइट पे रख दी तो इसलिए यहां पर भी ये डिस्टेंस क्या बनना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हो गया, पहले लेंस यहां पर पड़ा हुआ था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है एक्स, इमेज का डिस्टेंस क्या है 30 प्लस एक्स, तो यहां से ऑब्जेक्ट इज माइनस एक्स, रियल इमेज है, इमेज इज 30 प्लस एक्स, मैग्निफिकेशन रियल नेगेटिव होती है तो नेगेटिव है, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स आ गया, एक्स आ गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है माइनस एक्स माइनस 20, इमेज का डिस्टेंस कितना है 30 प्लस एक्स, 30 प्लस कितना 20, कितना 50, तो ऑब्जेक्ट यू इज नेगेटिव वी इज पॉजिटिव, पुट करके यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। तो कहने का मतलब कि ये बस इसमें यही ट्रिक है एक्स वाला, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बाकी तो नॉर्मल ऑप्टिक्स है, यू ले लिया वी ले लिया आंसर आ गया, वहां से एक्स आ गया, एक्स आ गया तो यू और वी आ गया, वहां से फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेट आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, इसको बिना शॉर्टकट किया वैसे आने वाले टाइम में एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर आ जाएगा एक सेकंड में, क्योंकि ये एक ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट है जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, जो अगले लेक्चर में हमने करना है, ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, एक लेंस है इस स्क्रीन से, ये लेंस 36 सेंटीमीटर लेफ्ट रखा गया है, और क्वेश्चन है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पी को 56 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, लेंस से नहीं, स्क्रीन से इसका लेंस की दूरी 36 है, 36 है, और स्क्रीन से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 56 है, ये मुझे गिवन है। अब मुझे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जब मैंने यहां से इमेज बनाई, यहां से लाइट जो है लाइट गई, इमेज बनी, जो इमेज बनी वो कैसी बनी, डायमीटर ऑफ द लेंस के बराबर बनी, डायमीटर ऑफ द लेंस क्या, ये इमेज भी इतनी बड़ी बन गई। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कन्वेक्स लेंस में, होता तो ऐसा है, ये रेज गई यहां पर मिल गई, इमेज तो यहां बननी चाहिए थी, इमेज तो जहां पर ये रेज मिलेंगी वहां इमेज बननी चाहिए थी, प्रॉब्लम ये है कि वहां पर आपने स्क्रीन ही रखी, तो रेज आगे चली गई, उस पॉइंट को टच करती हुई आगे चली गई, आगे जाके स्क्रीन पे ऐसे गिरी, ये इसकी इमेज बन गई ए बी, और ये एक इमेज बनी ए बी, बड़ी इमेज बनी, बननी यहां चाहिए थी पर बनी यहां पे। अब साइज क्या बना इमेज का, बिल्कुल उतना जितना लेंस का डायमीटर है। ऐसा तभी हो सकता है
जब सिमिलर ट्राइंगल्स का हम रेशियो लगाएं, बराबर लगाएं, और सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसको तो मिड पॉइंट होना ही पड़ेगा, तो आई इज मिड पॉइंट ऑफ लेंस एंड स्क्रीन, तो ये लॉजिक लगेगा इसमें। तो डायग्राम कैसे बना समझ में आ रहा है, रेज गई, रेज यहाँ मिलनी चाहिए थी, स्क्रीन यहाँ पर थी, दूर थी स्क्रीन, स्क्रीन अगर दूर थी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको यहाँ मिलाना पड़ेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, लेंस की फोकल लेंथ आपको पता नहीं है। तो अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो इस लेंस, ये जो लेंस है इसका u कितना है पहले ये बताओ, -20, और इमेज की वैल्यू कहाँ पर बन रही है, प्लस, कहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी इस डायग्राम को देखते हुए, कहाँ पे, एग्जैक्टली इनके मिड पॉइंट पे। ये पेपर में तुमने दिमाग लगाना है कि इमेज यहाँ पे नहीं बन रही, इमेज तो यहाँ बन रही थी, वो तो स्क्रीन पे लाइट गिरी है, इमेज थोड़ी ना है वो, इमेज तो यहाँ बन रही थी जो कि लेंस और स्क्रीन के मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट का मतलब 36 का हाफ कितना है, 18। तो वी यू इसमें -20 है, वी इसमें +18 है, तो यू -20 वी +18 लेके क्या निकल गई, फोकल लेंथ। तो पहला काम तो फोकल लेंथ निकाल दिया। ये आइडिया समझ में आ रहा है, लाइट गिरना और इमेज का क्लियर बनने में फर्क है, और इमेज कहां पर बननी थी, आई पे। पहला लॉजिक क्लियर है, आई मिड पॉइंट है स्क्रीन और लेंस का। दूसरा अगला पार्ट है, कैलकुलेट अप टू व्हाट डिस्टेंस सोर्स बी डिस्प्लेस्ड। कह रहे जो सोर्स है मैं इसको हिलाना चाहता हूं, ना मैं लेंस को हिलाऊंगा ना मैं स्क्रीन को हिलाऊंगा, मैं ये चाहता हूं कि मैं, ये मेरा लेंस है, ये मेरी स्क्रीन है, और अभी भी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 36। मैं ऑब्जेक्ट को हिलाना चाहता हूं, मैंने ऑब्जेक्ट की दूरी को चेंज कर दिया, यू डैश कर दिया, ताकि इससे जो इमेज बने वो बिल्कुल क्लियर इमेज स्क्रीन पे बने। पहले ये स्क्रीन पे नहीं बन रही थी, अब मैं चाहता हूं ये एग्जैक्टली स्क्रीन पे पॉइंट जाके मिले। तब देखो क्या हुआ, अब इस लेंस के लिए यू मुझे निकालना है, वी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 36। सेकेंड केस में वी की वैल्यू 18 की जगह मैंने क्या कर दिया, 36। अब 18 नहीं चाहिए मुझे, इमेज कहां पर बनानी है, 36 पे बनानी है, तो वी कितनी होगी, 36। यू डैश मुझे निकालना है, और फोकल लेंथ तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक बार फिर से लेंस का फॉर्मूला, फोकल लेंथ निकाल चुके हैं, पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, इमेज 36 पे चाहिए, ऑब्जेक्ट की दूरी हमें निकालनी है, तो अब नई दूरी ऑब्जेक्ट की है 12.86। तो पहले ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा हुआ था, 20, अब वो कहां पे रखना है, 12.86, तो यानी कि लेंस के पास रखना है, क्योंकि पहले तो 20 पे था, अब 12.86 पे रखना है, हमें पास लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और कितना पास लाना पड़ेगा, 20 में से 12.86 माइनस करो, 7.14 सेंटीमीटर पास लाना पड़ेगा, ताकि इमेज कहां पर बने, ऑन स्क्रीन। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। फोकल लेंथ निकाल ली, फोकल लेंथ निकाल के फिर नया डिस्टेंस यू डैश का निकालना है, ताकि स्क्रीन जो है, स्क्रीन के ऊपर आपकी फाइनल इमेज यहां पर बने। तो आइडिया क्लियर है कि क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, कि कैसे लेंस के फॉर्मूलाज इसमें हम लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं करना, स्फेरिकल मिरर हमने नहीं किया, ये दोनों क्वेश्चन रहने दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपके एनसीईआरटी और कॉम्पिटिशन दोनों में आते हैं, और बोर्ड में तो बहुत ही आते हैं, एनसीईआरटी के बहुत फेमस क्वेश्चन हैं ये। तो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम, आपको दो लेंस गिवन है, पहले तो इस बात को समझना, जब आपको पेपर में आएगा ये रे डायग्राम नहीं देगा वो आपको, सिर्फ लेंस की फुटवें देगा, 15 देगा, फोकल लेंथ दे दी, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, आपको ये भी देगा, ये भी देगा, और ये भी देगा, सब कुछ ये नहीं देगा, मतलब 14 और 40 तो देगा, रे डायग्राम तो बिल्कुल भी नहीं देगा। वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो लेंस ले लो, फोकल लेंथ की वैल्यू इसमें 15 है, और क्योंकि कन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव। क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ निकालनी है कनकेव की, कनकेव की, ताकि यहाँ पे जो फाइनल इमेज है दोनों का कॉम्बिनेशन वो कहाँ पर बनाए, 30 पे बना दे। ठीक, दोनों लेंस क्या करें, फाइनल इमेज कहाँ पर बनाए, 30 पे बनाए। अगर आप डायग्राम देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो डायग्राम में रे डायग्राम गिवन नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करो तो पहले लेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, रे डायग्राम ना ड्रॉ करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सबसे पहले रिफ्रैक्शन कौन कराएगा, कन्वेक्स लेंस। बोलो कन्वेक्स लेंस के लिए यू कितना है, -40। फोकल लेंथ कन्वेक्स की कितनी है, +15।
प्लस 15। लेंस का फॉर्मूला यूज करो, वी कितना आएगा 24। फाइनल इमेज यानी कि कहां पर बनेगी एट 24, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं या सिर्फ इतनी सी बात करूं कि ये मेरे पास कन्वेक्स है, ये मेरे पास कनकेव है, मेरे को बस पेपर में यही गिवन होगा और कुछ भी ना गिवन होगा ऐसे, तो मैं ऐसे करूंगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पर 40 है, यहाँ से ये दूरी कितनी है 14 है, और यहाँ से जब मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो मेरे पास इमेज कहाँ पर बनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 24, यहाँ से यहाँ 24। अब इस लेंस के लिए ये क्या माना जाएगा ऑब्जेक्ट? सारे डिस्टेंसेस यहां से लिए जाएंगे ऑब्जेक्ट के, तो ये डिस्टेंस 24 है, ये 14 है, तो ये कितना आ गया 10। तो इस लेंस के लिए यू कितना आएगा प्लस 10, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्योंकि राइट की तरफ है, क्योंकि जो इसने इमेज बनाई वो ये लेंस क्या यूज करेगा ऑब्जेक्ट, और क्योंकि राइट की तरफ है तो यू क्या होगा इसमें पॉजिटिव, तो यू इसमें पॉजिटिव हो गया। और इमेज वो कह तो रहे क्वेश्चन में फाइनल इमेज कहां पर बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30, तो फाइनल इमेज अकॉर्डिंग टू डायग्राम कहां पर बन रही है 30 पे, तो इस लेंस ने 24 सेंटीमीटर पे पड़े ऑब्जेक्ट को 30 पे शिफ्ट करवा दिया, यानी कि कंकेव लेंस के लिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो यू होगा 10 और इमेज कहां पर बनेगी 30 पे। तो यहां से फिर लेंस फॉर्मूला लगाएं और फोकल लेंथ निकाल लें। अगर तुम्हारी फोकल लेंथ गलती से पॉजिटिव आ जाती है और लेंस आपका कनकेव था तो ये मन को मत समझाएं कि मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, गारंटेड न्यूमेरिकल गलत है आपका, फोकल लेंथ को नेगेटिव आना ही है क्योंकि कनकेव लेंस का केस है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसका? तो पहले एक लेंस को सॉल्व करना है और फिर एक लेंस जो इमेज बनाएगा वो दूसरे लेंस के लिए क्या मानी जाएगी ऑब्जेक्ट की वैल्यू, लगा के देखो इसमें, ये देखो। फिर एक क्वेश्चन आ गया, दो लेंस हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस हैं, रे डायग्राम गिवन नहीं होगा आपको, ये गिवन है कि 20 सेंटीमीटर है, 60 है और 10 है, और हाँ ये जरूर गिवन होगा इसमें कि रेस पैरेलल है, चलो स्टेटमेंट में गिवन होगा। पैरेलल का मतलब दोनों लेंस में से जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर बन रही है एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, पैरेलल का मतलब ये होता है। तो इसके अंदर क्या निकालना है आपको, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस निकालनी है, इकट्ठा मत सॉल्व करना, पहले कन्वेक्स सॉल्व करना। कन्वेक्स के लिए u बोलो कितना है माइनस 60, फोकल लेंथ कन्वेक्स की क्या है पॉजिटिव, लेंस फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व करो, v कितना आ गया 30। तो आपके जब क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं होगा तो इतना बता सकता हूं कि v की वैल्यू 30, तो यानी कि इसने v कहां बनाया 30 पे। अब सेकेंड लेंस के लिए यह क्या माना जाएगा ऑब्जेक्ट? अब सारे डिस्टेंसेस सेकेंड लेंस के सेंटर से मापने, अब ये क्योंकि 30 है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो इसके लिए u की वैल्यू क्या होगी प्लस 20, क्योंकि राइट साइड पे है प्लस 20, तो u क्या आ गया प्लस 20, और इमेज कहां पर आ रही है एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है। तो देखो u की वैल्यू प्लस 20, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है, फिर से फॉर्मूला पुट करना है लेंस का और यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कनकेव है, इसको नेगेटिव ही आना है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि यू और वी कैसे निकालने दोनों लेंसेस का? ठीक, तो ये आपका कॉम्बिनेशन है, जैसे फिर एक और कॉम्बिनेशन है कन्वेक्स और कनकेव का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 है, चलो ये 10 है, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है 30 पे, तो वो कह रहा है कि ये 10 है इसकी फोकल लेंथ, साथ में एक कनकेव पड़ा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 गिवन है और फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, कनकेव की भी गिवन है 10, कन्वेक्स की भी पता है 10, कनकेव की भी 10, कन्वेक्स की पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव। क्या करना है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये रहा, फाइंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। इस बार तुम्हें यह बताना है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी, रे डायग्राम गिवन नहीं होगा, लेंस गिवन होंगे। तो पहले तुम फर्स्ट लेंस से स्टार्ट करो, पहले लेंस के लिए यू कितना है माइनस 30, फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव है प्लस 10, लेंस का फॉर्मूला लगाओ और वी निकाल लो, वी की वैल्यू कितनी आ गई 15। 15 का मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो इमेज बना रहा है वो 15 सेंटीमीटर पे बना रहा है, जो कन्वेक्स इमेज बनाएगा
वो कनकेव के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कनकेव के ऑब्जेक्ट की दूरी क्या आएगी, 15 में से 5 गया तो कितना आया 10, तो यू क्या हो गया प्लस 10। फोकल लेंथ कनकेव की क्वेश्चन में गिवन है कितनी, माइनस 10। अब आप फॉर्मूला कनकेव के लिए लगा लें, यू आएगा प्लस 10, फोकल लेंथ आएगी कनकेव की माइनस 10। आप ये फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व करके कैलकुलेट करें, वी आपका इनफाइनाइट आ रहा है। इन्फिनिटी का मतलब रेज, यानी कि फाइनली क्या हो जाने वाली है इसके साथ, पैरेलल। पैरेलल का मतलब कि रेज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो एटलीस्ट के न्यूमेरिकल के साथ तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो पॉइंट यहां तक क्लियर है, क्या इसमें करना है? ठीक,